pone ko siya dito. Lasin tare. Si si pone. Yo. Si drone na niko pa si. Sini, hojikta bo drone paira ga thadar khibo mo phamdo. Khoi maite ko. Sida. Khoi bai pising gi yungda pali, maning gi sakhang da. Tu. Drone ama tor ga drone paigre 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 mai am sung nang na bada. Paigi bada ngairi. Ta thada bada si yum ji da pale me si sini segairi ji. Drone na to bada segairi si. Si tin ga jao machi machi. नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल के दिन से आपने जो अभी अभी वीडियो देखा वो सोशल मीडिया पर काफी ही घूम रहा है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि जो कुकीज़ो मिलिटेंट्स मणिपुर, उन लोगों ने मेते कम्युनिटी के जो घर हैं उनके ऊपर हमला कर दिया। अब ये हमला कोई आम हमला नहीं था, लेकिन वो ड्रोन द्वारा किया गया था और उसमें ड्रोन के माध्यम से कुछ घरों के ऊपर बम भी गिराए गए थे। तो उसी के चलते पूरे सोशल मीडिया में और साथ ही में कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी इसको कवर किया और ये स्पष्ट किया कि वहां पर मणिपुर में जो कुकीज का आतंक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और वो और भी एडवांस स्टेज के ऊपर जाते जा रहा है। अब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या फिर हम खुद, हम लोग पिछले काफी लंबे समय से कॉन्स्टेंटली ये न्यूज कवर कर रहे हैं। हम लोग मणिपुर के जो हालात हैं उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, साथ में म्यांमार के जो हालात हैं उसके ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं। म्यांमार में जो परिस्थितियां हैं वो वहां की उन्टा के साथ, वहां की जो मिलिट्री है उन लोगों के साथ है, लेकिन साथ ही एक तबका ऐसा है, एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि भारत से लगता है, वहां पर कुछ समय पहले कुछ यूएस मरीन्स यानी कि यूएस नेवी के टॉप कमांडर पाए गए। उसके बारे में भी हमने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था और वहां पर वे लोग यूएस मरीन्स, एक्स यूएस मरीन्स उन कुकी मिलिटेंट्स के साथ बातचीत करते हुए पाए गए। जिस तरह की बातचीत थी उससे कुछ शंकास्पद परिस्थितियां खड़ी हो रही थी, कुछ प्रश्न खड़े हो रहे थे, जिसके बारे में हमने आपको एक आगे के वीडियो में बताया था। साथ ही में हमने अन्य कुछ ऐसे भी वीडियो बनाए थे जिसमें हमने आपके साथ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से शेयर किए थे। ये जो पर्टिकुलर कुकीज़ो मिलिटेंट ग्रुप वो मणिपुर का हिस्सा एक अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी एज ऑफ नाउ मांग कर रहा है। पिछले दो तीन दिनों से अर्नब जी की जो चैनल है रिपब्लिक टीवी के ऊपर कॉन्स्टेंटली इसको कवर किया जा रहा है और इसको अनरेवल किया जा रहा है कि किस तरह से WKZIC यानी कि वर्ल्ड कुकीज़ो इंटेलेक्चुअल काउंसिल उनको फॉरिन फंडिंग मिल रहा है और फॉरिन फंडिंग यहां पर लेकर वे लोग भारत में उपद्रव मचा रहे हैं और भारत में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप इसके बारे में भी हमने आपको ऑलरेडी बताया था, लेकिन वहां पर जो बात है मणिपुर में वो ये स्पष्ट है कि वहां पर जहां एक तरफ यूएसए इन्वॉल्व है एक अलग कुकीलैंड, एक अलग क्रिश्चियन नेशन बनाने का प्लान करते हुए, उसी में दूसरी तरफ से चाइना KNF के थ्रू यानी कि कुकी नेशनल फ्रंट के थ्रू मणिपुर में कॉन्स्टेंटली उपद्रव मना रहा है, ऐसा भी मालूम पड़ा है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं तो इसके बारे में भी हमने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था जिसमें NIA की एक रिपोर्ट हमने आपके साथ साझा की थी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ भारत जो अंडरकवर काम करती है और कॉन्स्टेंटली कार्यरत रहती है अलग अलग जगहों से पूरे भारत में अलग अलग लोगों को कैप्चर करने में, जो कि खास करके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो कि अवैध है, जो इलीगल है और जिस डायरेक्ट सोसाइटीज के ऊपर और भारत की एकता अखंडता के ऊपर आघात हो सकता है, हमला हो सकता है। तो कुछ महीनों पहले NIA की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने इंफाल में से यानी कि मणिपुर के कैपिटल में से एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो कि म्यांमार से आया था स्पेशली ताकि मणिपुर में और पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में उपद्रव मचा सके और अलग अलग तरीकों लोगों परेशान। वो जो व्यक्ति था उसका नाम था रॉजर, लेकिन उसका असली नाम कुछ और ही था। वो भी NIA ने वो डिक्लेरेशन दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने क्लियर किया था। तो उसी के चलते NIA म्यांमार से आए हुए एक ऐसे उपद्रवी को कैप्चर किया था, अरेस्ट किया था तकरीबन एक दो महीने के पहले। वो भारत आया था स्पेसिफिकली मणिपुर में आग को बढ़ाने के लिए और उसी के साथ
बाकी सभी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसमें भी आग लगाने के लिए। तो इसी प्रकार से ये स्पष्ट होता जा रहा है, सिर्फ हमको ही नहीं, हमको ये बात पहले से ही स्पष्ट थी, लेकिन साथ ही में गवर्नमेंट को भी और कई सारी एजेंसीज को भी और कई सारे भारतीयों को भी कि मणिपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ एक रिलीजियस वॉर नहीं है। जी नहीं, वो रिलीजियस वॉर बिल्कुल भी नहीं है। वो एक पॉपी कल्टिवेशन के नाम से शुरू हुई थी और उसके बाद जिस तरह से वहां पर एक्शंस लिए गए हैं या फिर इनएक्शन हुए हैं उसके चलते, और साथ ही में जो यूएस में से और पीएलए यानी कि चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनके द्वारा जो सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट उन लोगों को मिल रहा है, उसके चलते कॉन्स्टेंटली वहां पर इंसर्जेंसी भी चल रही है और उन्हीं घुसपैठियों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन भी पाए जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन जो कि आमतौर पुलिस के पास नहीं होते, ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन ड्रोन, आरपीजी, ग्रेनेड लॉन्चर्स, एसॉल्ट राइफल्स और ऐसे कई सारे हथियार वहां से कॉन्स्टेंटली बरामद किए जा रहे हैं भारत की सेना द्वारा, वहां की जो पुलिस है उन लोगों के द्वारा, जिससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि बाहर की ताकतें इन्वॉल्व हैं म्यांमार में से मिलिटेंट्स को भारत में भेजने के लिए और मणिपुर में और अन्य जो सेवन सिस्टर्स के राज्य हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य आ जाते हैं, उसमें उपद्रव मचाने के लिए और अगर हो सके तो भारत से अलग करने के लिए और वहां पर एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन नेशन स्थापित करने के लिए, जो कि ओरिजिनली एक क्रिश्चियन नेशन ना होते हुए यूएसए का एक मिलिट्री बेस बन सकता है। साथ ही में वहां पर यूएसए का मिलिट्री बेस ना बने उसके लिए चाइना भी दूसरी तरफ से कार्यरत है, लेकिन वो भी भारत में ही उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहा है, भारत में ही अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही उस तक वो चाइना के एक चैलेंजिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन खड़ी कर देता। तो इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो मणिपुर की इंटरनल इश्यूज से नहीं बल्कि वो म्यांमार से भारत लाई गई है, भेजी गई और यहां पर बढ़ती जा रही। वहां पर हाल में तकरीबन 60,000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं भारत के, वो लोग कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और साथ ही में बॉर्डर वॉल बनने का भी एक जो प्लान था वो चल रहा है। तकरीबन 9-10 किलोमीटर की बॉर्डर बन गई है वहां पर। ये बॉर्डर वॉल इसलिए बनाई जा रही है कि वहां पर जो पोरस बॉर्डर्स हैं जहां पर से ये इंसर्जेंट्स, ये मिलिटेंट इजीली आ जा सक रहे हैं, यहां पर क्राइम करके वो लोग वापस भाग भी जाते हैं वहां पर म्यांमार में, और म्यांमार से हथियार लेकर यहां पर उपद्रव मचाने के लिए आते हैं, यहां की जो कम्युनिटीज, यहां के जो भारत के लोग हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। उसके लिए ये जो पोरस बॉर्डर का रीजन है वो उन लोगों को एक बहुत ही सुविधाजनक परिस्थिति खड़ी कर देता है। तो उस सुविधा को काटने के वहां पर एक बॉर्डर वॉल लगाया जा रहा है ताकि उन लोगों भारत में आने से अटकाया जा सके, इंसर्जेंसी को कम किया जा सके, घुसपैठ कम किया। तो जिस तरह से हमने बताया कि ये जो हाल में न्यूज आइटम्स चल रहे हैं वो प्रूफ्स के हमने ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से शेयर भी किए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। 4 जो ऐसे पर्टिकुलर वीडियोस हैं वो इस पर्टिकुलर घटना के साथ, मणिपुर की घटना के साथ रिलेटेड है और उसमें एविडेंसेस भी अवेलेबल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आप जाइए, जाकर देखिए ताकि आपको भी पता चले कि एग्जैक्टली मणिपुर में वो परिस्थितियां कैसे डेवलप हो रही है। और अगर म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार पर भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं कुछ एविडेंसेस के साथ, तो जाकर वो भी आप देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं मणिपुर की खबर के बारे में, और ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट आज हुआ है जो कि हमारे लिए या फिर हमारे रेगुलर व्यूअर्स के लिए जरा भी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा डेवलपमेंट होना एक बहुत ही ऑब्वियस वे था, एक बहुत ही ऑब्वियस स्टेप था इन द वेरियस स्टेप्स टेकन सो फार बाय दिस स्पूकी मिलिटेंट एंड बाय द फोर्सेस हु आर मेकिंग देम। तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा स्टेप था जिसकी खबर ऑलरेडी होनी चाहिए थी एटलीस्ट भारतीय सेना को और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को। तो आशा रखते हैं कि उन लोगों को इस बात की बनक जरूर लगी होगी और ये जो हमला ड्रोन द्वारा किया गया है उसके भी बारे में इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास जरूर होगी। देखना यह है कि किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल किया जाता है, क्योंकि अगर मणिपुर में आग फिर से उस तरह से लगती है तो पूरा भारत उसकी मदद से जलाया जा सकता है। तो ये मामला भी उतना आसान नहीं है जितना हम लोगों को दिखता है
ऑलरेडी मणिपुर के नाम पर भारत में प्रोटेस्ट हो चुके हैं, भारत को डिस्टेबल करने की और भारत में उपद्रव मचाने की कोशिश इस मणिपुर के माध्यम से ऑलरेडी की गई है पास्ट में। तो मणिपुर का मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आप समझ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर भारत।